बाड़ूताल थाना के अंतर्गत ग्राम रेंगवा में बीती रात हुई हत्या के मामले में क्षेत्रीय जनों ने पाटन रोड पर ग्राम रेंगवा के अंतर्गत चबरा का जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। ये प्रदर्शन घंटों चलता रहा, जिस पर आरोपी को जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की गई है, जिस पर तत्काल माडोताल थाना प्रभारी व CSP ने तत्काल आरोपियों को 2 दिवस के अंदर हिरासत में लेने की बात कही गई है। आपको बता दें कि जिसके बाद ग्रामीणों के साथ शोका कुल परिवार द्वारा प्रदर्शन बंद किया गया है। दरअसल जबलपुर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना माढ़ोताला थाना के रेंगवा ग्राम की है, जहां पर की देर रात करीब 12 बजे 25 वर्षीय युवक, जिसका नाम आकाश पंचारा बताया जा रहा है, उसे बदमाशों ने चाकू मारे। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहाँ उसने इलाज के दौरान तड़के सुबह दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक आकाश बंजारा प्राइवेट काम करता था। देर रात करीब 12 बजे वह किसी काम से वापस लौटकर अपने गांव रेंगवा जा रहा था। जैसे ही वह गांव के पंडाल के पास पहुंचा, तभी बदमाशों ने उसे चाकू मार दिए। पुलिस के मुताबिक आकाश पर एक बार नहीं बल्कि 4 से 5 बार चाकू से हमला किया था। लहूलुहान हालत में मौके पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। ग्रामीणों ने जब आकाश को तड़पते हुए देखा तो तुरंत ही माढ़ोताल थाना पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर आई, जहां पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर आई, जहां उसे ICU में भर्ती किया गया। तड़के सुबह उसने दम तोड़ दिया। सभी आरोपी फरार हो गए हैं। प्राथमिक जांच में जुटी पुलिस ने पाया है कि पुरानी रंजिश या फिर शराबखोरी के चलते आकाश की हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। संवाददाता कदीर अंसारी। चाहिए मतलब हमको न्याय चाहिए। हम लोग की मांग है इसकी जय करता तो व्यवस्थित जो पागल भी थी, इनकी व्यवस्थित कौन करेगा है? इनकी व्यवस्थित कौन करेगा? सरकार सभी के लिए मुआवजा चाहिए, उसके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है जो कल जघन्य अपराध हुआ है, जिसके लिए कि कुछ सवाल पुलिस प्रशासन के ऊपर भी उठाए जा रहे हैं, जिसमें हमें कि पुलिस प्रशासन से आश्वासन मिला है कि उन आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, जिन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और उनके जो माँ बाप हैं सरकारी की तरफ से जो भी संभव मदद होगी वो उनको मिलना चाहिए। जो कि दूसरे 2 दिवस में जो कि आरोपी गिरफ्तारी की मांग की गई है, जो पुलिस प्रशासन की तरफ से आवेदन दिया गया है हमको, इस प्रकार से मारने वालों का ऐसा कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन की जांच कर रही है, जांच में जो भी सामने आएंगे। मेरा नाम है दीपक बंजारा, मैं रांझी में रहता हूँ, जबलपुर रांझी में। हम अस्पताल में रहे, हम वहाँ से आए, जब देखे तो हमारा बच्चा को मार के अस्पताल में डाल दिए। सुशील बंजारा बेटा है मेरा जी। लिखित में नहीं दिए हैं, अभी सिर्फ कागज में लिख के ही दे रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे हम। हम इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ मतलब इंसाफ चाहिए, इंसाफ। हम बता रहे हैं, हमारे साले हैं ना जी। घटना का भी है, क्या था पूरा मामला? कल रात्रि में ग्राम रहगांव में नीतीश ठाकुर है, इसके साथ एक हत्या की वारदात हुई है और इस घटना में 2 लोगों के विरुद्ध नामजद FIR की गई है, धारा 103-3-5 BNS के तहत। और इसमें इस घटना को लेकर उसके परिवारजनों, गांव के कुछ लोग जो है यहाँ पे आए हुए थे और उनके द्वारा घटना का रोष व्यक्त किया गया है और उनको समझाइश देके यहाँ से उनके घर को रवाना कर दिया गया है। इसमें 2 आरोपी हैं, हम उनकी लगातार घटना के बाद से तलाश कर रहे हैं और उनको शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। सर, लगातार रोज की रोज घटना घटित होती जा रही है। घटना ये अप्रत्याशित है, ऐसी कोई सुनियोजित घटनाएं नहीं है, अचानक से होने वाली ऐसी घटनाएं हैं। सर, जैसे जल्द से जल्द इनने कार्रवाई की मांग की थी, उनने आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में मांग की है, हम आरोपियों को से गिरफ्तार करेंगे। आरोपी कहाँ के हैं? आरोपी भी उसी गांव के हैं, गांव रहवा। कुछ नाम सामने आए हैं क्या? हाँ, नाम आए हैं सामने। कितने आरोपी हैं लगभग? 2 आरोपी हैं।